नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जल महल के बारे में बताऊंगी जो राजस्थान की विरासत है, जो दुनिया में एक अलग ही पहचान रखती है, जिसे पानी पर तैरते रेगिस्तान नाम से भी जाना जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। यह महल अरावली पहाड़ियों में स्थित है। ये महल झील के बीचों बीच होने के कारण इसे आई बॉल भी कहा जाता है। जल महल राजस्थान में गल और राजपूत शैली की वास्तुकला के मेल से बना हुआ सबसे सुंदर वास्तुशिल्प महलों में से एक है। मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों और वर्गाकार रूप में निर्मित भवन है। इसकी ऊपरी मंजिल के चारों कोनों पर बुर्जों की छतरियां एवं बीच के बरामदे संगमरमर के स्तंभ पर आधारित हैं। पीछे की ओर नाहरगढ़ पहाड़ियों के साथ मानसागर झील बसा हुआ है। जल महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और इन्होंने ही मानसागर झील का निर्माण भी एक बांध बनाने से किया था। जल महल एक 5 मंजिला महल है जो राजपूत वास्तुकला शैली से प्रेरित है। जल महल की 5 मंजिलों में 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं और आप केवल इसकी 5वीं मंजिल ही देख सकते हैं। इस महल का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसके कोनों पर 4 अष्टकोणीय आकार के छतरियां स्थित हैं। इस महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा जल सिंह ती द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, जिसमें कुल 21 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ हैं। इस खूबसूरत महल की छत पर एक बगीचा है जिसे चमेली बाग कहते हैं। जल महल अब पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊँचे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के 150 वर्ष पुराने पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर नया जीवन दिया गया है। इस बाग के केंद्र में एक स्टेज है जिसका उपयोग नृत्य कलाकारों के लिए किया गया है। ये महल प्रवासी पक्षियों के लिए एक घर है। तो आपको जल महल के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट।